वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी 2022 एवरीवन। आई विश यू ऑल कि ये वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत 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 अच्छा हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ी रेडी लग रही हूँ, कहीं किसी पार्टी में तो नहीं जाने वाली हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी अपना न्यू ईयर अपने घर पे ही बैठ करके मस्त कंबल के अंदर ही मनाने वाली हूँ। ऐसा कोई भी प्लान नहीं है हमारा, पर मैं तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि पंखुड़ी ऐप पे मुझे अभी लाइव सेशन देना है और अपनी व्लॉगिंग के बारे में बताना है, यूट्यूब के बारे में बताना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं इतना बकबक बकबक करती हूँ, बट वो एक डेडिकेटेड लाइव है तो थोड़ा लग रहा है कि मैं सब कुछ सही करूँ, कुछ गलत गलत ना कर दूँ, इसलिए। बस मैं उसी के लिए तैयार हुई हूँ। थोड़ा सा बस कंघी अच्छे से कर ली है एंड यस, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। तो जब लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा तब मैं आप लोगों से मिलूंगी। अगर कोई मेरे फ्रेंड्स या कोई भी फैमिली वाले उस लाइव सेशन का थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड कर लेगा तो मैं ऐड कर दूंगी साथ में। तो हाँ, आप लोग देख लेना एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थोड़ा सा नर्वस। लेट्स सी कैसा जाता है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आज की पार्टी। मेरी तरफ से तो नहीं है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में लाइव के बाद। यूज करें अगर वो मुझे हेल्पफुल लग रहा है। थर्ड, मेरे चैनल पे बहुत सारे कैफेज वगैरह के रिव्यू होते हैं क्योंकि घूमना फिरना तो पसंद है हम लोगों को, सो इसीलिए कैफेज जा। उसके साथ मैं कुछ कुछ DIYs भी शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे खुद के स्किन में, जैसे मेरी स्किन जो है वो थोड़ी एक्ने प्रोन है, तो मैं कुछ भी अगर ट्राई करती हूं एंड पर जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, सो नाउ आई विल डील विद द इश्यूज कि आप लोग अगर स्टार्ट करने वाले हो अपना चैनल तो आप लोगों को क्या क्या चीजें। सो आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई लाइव। पहला लाइव था, मैं नर्वस थी बट अच्छा हो गया। आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिया दी ने रिकॉर्ड किया वो शेयर करूंगी और Nice. पता नहीं किसने किसने देखा आप लोगों में से, मेरे को नहीं पता। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। तो आज बहुत दिन बाद किचन का ब्लॉग बन रहा है क्योंकि आज 31st के नाइट ईव पे मम्मी बना रही है पनीर पराठे। क्या क्या कुछ हरा सब्जी बना रही थे पिछले साल तो कुछ तुम लोग हल्ला बहुत की थी यार, यही सब्जी बनाना तो बोले तो 1 जनवरी को ना अच्छा बनेगा। 31 को भी तो और मम्मी आज मैचिंग है देखो, तो इसीलिए सोचते हैं कि चलो भाई इस बार अच्छा बना दे आज भी। तो आज इसीलिए मम्मी पिछली बार से सबक लेते हुए थोड़ा अच्छा खाना बना रही है, पनीर पराठा, और अभी हम लोग खाएंगे। और आज मम्मी और मैं मैचिंग कर रहे हैं। अब रात में हमने पेस्ट्री मंगवा ली क्योंकि केक तो हम अभी न्यू ईयर पे ही काट चुके हैं, तो हमने पेस्ट्री मंगवा लिया है वो क्रिसमस पे, न्यू ईयर क्रिसमस पे फंबल। तो न्यू ईयर पे हम लोग ने केक काटती है कि भूल जाती हो ये चीज मत काटे। सही में हम लोग का हर मंथ कुछ ना कुछ इवेंट होके केक कटना ही होता है ना। बर्थडे, 4 बर्थडे, 1 एनिवर्सरी, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, इन सब पे ऐसे तो हो ही जाता है। तो हमने पेस्ट्रीज मंगवा ली है आज, आज हम लोग वही खाएंगे रात में, डिनर के साथ ही खा लेंगे। हाँ। है ना, हैप्पी न्यू ईयर उसी टाइम हो जाएगा क्या। हाँ। 2 घंटे बाद तो हो ही जाना है। अब हम आपसे खाने पे मिलेंगे एंड दिखाएंगे आपको टेस्टी टेस्टी पराठे। सो ये है आज का खाना और साथ में पेड़ा भी है, यमी यमी। और हम अभी, मैंने कुछ ये आईलाइनर हटाया नहीं है तो रियति पूछी तुम तैयार क्यों हो, मैं लाइव करी थी इसीलिए। अभी हम पेस्ट्री भी खा लेंगे और चीयर्स करके न्यू ईयर भी कर लेंगे। अभी खा लेंगे पेस्ट्री, रात में काटना है क्या, 12 बजे कौन खाएगा, वही तो अभी खा लेंगे हम लोग, अभी खा लेते हैं बाद में न्यू ईयर। बाद में बस ऐसे बोल देंगे ये न्यू ईयर ठीक है। तो Happy New Year 2020! Happy New Year 2020, नहीं 2022. Wait a minute! Who are you? 2020 में तो करो। I am mentally in 2020 only.
सो इट्स ऑलमोस्ट 12 और आज हमारी सोसाइटी भी पूरी लाइट अप हो गई है, सुंदर सुंदर लग रहा है. और वहाँ पे आंटी ने अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए वो पूरा किया हुआ था, वो भी आज चल गया. बाहर बहुत ठंडी हो रही है, चलो अंदर चले. सो बस अब 12 बजने वाले हैं और ये देख लो हमारा न्यू ईयर कैसे हो रहा है. हम देख रहे हैं बिग बॉस का वो जो भी प्रोग्राम आ रहा है ना, वही देख रहे हैं. और हम पी रहे हैं हल्दी दूध. रिया दी क्या बोलना चाहोगे? अभी पूरी दुनिया फुल नशे वाली पार्टी कर रही होगी. हमारे नशे देखो, कोविड के नशे. हम कोविड से बचने के नशे कर रहे हैं. एंड बस अब थोड़े अब 15 मिनट हाँ 15 मिनट ऑलमोस्ट बाकी है. तो अगर मम्मी लोग इस रूम में आती है तो ठीक है, वरना फिर हम ही चल जाएंगे उस रूम में. या मम्मी लोग आ ही जाएंगे? नहीं, दोस्त हो गई क्या? सब रजाई में. मम्मी पापा अलग रजाई में, मैं अलग यहाँ पे फुल मस्त सो गई थी. मजा आ रहा है. अभी तक अपना आईलाइनर और वो नहीं हटाई. मन नहीं कर रहा यार, इतना ठंडा है यार. हमारे पास वो है, लेट्स ड्रिंक होल ड्रिंक. बाय. सस्ता नशा हमारा बहुत ज्यादा. 1 मिनट टू गो. पापा को हम यहाँ खींच के ले आ चुके हैं. पिछली बार की तरह नहीं, रूम में नहीं बैठे हैं हम लोग. रिया भी पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर. हो गया हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं. अच्छा से निकले साल 2022. यस, ये न्यू ईयर आता है, ये कोरोना चालू है. तो यार मैं बहुत दुखी हूँ यार. नहीं, अब हम लोग इस साल बस अब बस जैसे केस थोड़े बड़े, अब ऐसे डिक्लाइन हो जाएंगे. अब सब कोई की प्रेयर्स है. मस्ट थिंक पॉजिटिव. यस. एंड अब हम आप लोगों से मिलेंगे कल सुबह. जो भी प्लान होगा वो देखा जाएगा. अभी कुछ सबसे हैप्पी न्यू ईयर के वालों के, सबसे हैप्पी न्यू ईयर 2022. हैप्पी न्यू ईयर मम्मी सबसे. हैप्पी न्यू ईयर गाइस. चलो गुड नाइट. बाहर में बहुत लोग वो फटाके वटाके छोड़ रहे हैं, तो देखते हैं अगर हमें कुछ दिखता है. बैलकनी नहीं दिखेगा, हम फर्स्ट फ्लोर पे. सोसाइटी में लाइट्स तो दिखा दिए, बट अगर कुछ दिखता है बाहर तो दिखाते हैं आप लोगों को. बस शोर ही सुनाई दे रहा है, कहीं दिख तो रहे नहीं है मुझे. सो गुड मॉर्निंग. ये चल रही है पूरा, देख लो ये क्या है. क्या बना रही हो आज? चिकन को काट के, कल पापा के वो ही में था ना, मुर्गा भाग रहा है, बोल रहा है बचा लो नहीं तो सब खा जाएगा. तो आज अंडा खिलाएंगे, बचा लो भाई, कोई बचा लो. तो आज बन रही है चिकन बिरयानी, न्यू ईयर स्पेशल. नाउ वी आर रेडी फॉर अ फीस्ट. चिकन बिरयानी. देखो हमारा बिरयानी. वाह 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 वाह, क्या टेस्टी लग रहा है. देखने में तो मजेदार लग रहा है. खाने से पता चलेगा. हम लोग मम्मी को एक्सपोर्ट कर देंगे. मम्मी सबसे ज्यादा खाती भी है, सबसे ज्यादा घूमती भी है, सबसे ज्यादा कपड़ा भी खरीदती है. और आप लोगों पर आप लगा मिठाई खाती है मम्मी. मम्मी ऐसे करेगी, मम्मी अपने मेटाबॉलिज्म के वजह से बच जाती है, क्योंकि वो खाती है, उनको लगता नहीं है देह पे. तो फिर पापा को बोलती है आप बहुत मिठाई खाते हैं, रिया बहुत मिठाई खाती है. कल्प्रेट. सही बात है. तुमको देह पे लगता नहीं है तो इसका हम लोग का गलती है क्या? तो हम तो खा सकते हैं. का कारण देखो, अभी इसके बाद में वो वाला मीम हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, जो मोदी जी बोलते हैं. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. तो अब हम लोग निकल रहे हैं. जिससे रियादी ने ये टी शर्ट खरीदा है डीकैथलॉन, हम जा रहे हैं डीकैथलॉन. हमें बिना घूमे एक दिन बीमार नहीं लगता. नहीं, हम लोग मास्क वास्क लगा कर जाते हैं दोस्तों. और मैं एल्पन लीबे खा रही हूँ. चलो दोस्तों.
पापा के लिए ये वाले जैकेट्स देख रहे हैं जो कि 799 के हैं। ये पापा ने पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है, नाइस। एक ये भी कलर है, एक ये भी कलर है, ऊपर नाइस। दूसरा कलर क्या क्या खरीद रही हो? अरे हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं, तुम लोग जो खरीदने का मन कर दो। मम्मी को लूटा जा रहा है इस साल के फर्स्ट में ही, है ना। आई लव दिस जैकेट यार, बट मेरे को लेने में बड़ा डर लगेगा। वाइट है पूरा, बट बहुत प्यारा है। तो हमने अपनी शॉपिंग कर ली है, पापा ने भी एक जैकेट ले लिया ब्लैक, दिखा दूँ यहीं पे। सब तीनों ने, हम तीनों ने ब्लैक ब्लैक ही लिया है, घर जाके आप लोगों को एक बार दिखा देंगे। तो ये है पापा की न्यू जैकेट जो कि फुल ऑफ वार्मथ, नाइस ना। Nice. पापा को पापा को डीकैथलॉन भी बहुत पसंद आ गया है, बोले बहुत अच्छा शॉप है, सबको वन मस्ट ट्राई है ना, वंस एट लीस्ट वंस एंड रीजनेबल आल्सो। यस इट्स रीजनेबल। और हमने एकदम ही प्लेन लिया है, ऐसा ही फ्लीस का ही वो अंदर रखा है। वो आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, रिया दी ने जैसा लिया था वैसा ही मैंने एक साइज स्मॉलर में लिया है बस। एंड अभी हम लोग बहुत सो के उठे हैं, आने के बाद हम एकदम सो गए थे और हम उठे हैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी। आप लोगों को क्या क्या करना है आप लोगों को पता ही है, ये ईयर का फर्स्ट व्लॉग है, इसको खूब सारा प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।